सीतापुर में एमएलसी का मतदान हो रहा है और आपको दिखाना चाहेंगे कि सीतापुर की पुलिस तीसरी आंख से भी नज़र रख रही है। ये ड्रोन कैमरा लगातार मतदान केंद्र पर उड़ाया जा रहा है। ये सीतापुर कलेक्ट्रेट स्थित जो मतदान केंद्र है जिला पंचायत में, वहाँ पर आने वाले मतदाताओं और जितने भी वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं उन पर नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरे का पुलिस सहारा ले रही है। बटों और बूटों से सुरक्षा तो की ही जा रही है, मतदान केंद्रों पर CRPF भी लगाई गई हुई है। इसके अलावा अगर बात करें CCTV कैमरा भी लगाया गया हुआ है और आप देख रहे हैं लगातार CCTV कैमरे को यहाँ से उड़ाकर आसमान पर ले जाकर उससे नज़र रखी जा रही है। और CCTV कैमरे के ज़रिए ये गतिविधि किसी प्रकार की न बिगड़ पाए, वहाँ पर हालात सामान्य बने रहें, इसलिए तीसरी आँख का भी पहरा लगाकर रखा गया हुआ है। ये नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे सीतापुर कलेक्ट्रेट स्थित जो ज़िला पंचायत का मतदान केंद्र है वहाँ का नज़ारा है, जहाँ पर आज जो है मतदान हो रहा है। पुलिसकर्मी भी मुस्तैद हैं, बावजूद इसके तीसरी आँख से भी सीतापुर पुलिस निगरानी कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर में 3891 मतदाता हैं, जिनमें प्रधान, BDC, जिला पंचायत सदस्य, सभासद, निकाय अध्यक्ष के अलावा अगर बात करें तो MLA, MLC और सांसद भी वोट डाल रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि MLC का चुनाव होना है, जिसमें जनप्रतिनिधि भी एक जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं, महत्वपूर्ण चुनाव है, उच्च सदन का चुनाव है और भाजपा ने पूरी प्रतिष्ठा लगा रखी हुई है। आपको बता दें कि सीतापुर से भाजपा के पवन कुमार सिंह, सपा के अरुणेश यादव और निर्दल अरुण दीक्षित मोनू, तीन के बीच मुकाबला हो रहा है। हालांकि जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी के पवन कुमार सिंह का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने तो दावा किया है कि 3891 जो मतदाता हैं उनमें 3800 के आसपास मत जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और 12 तारीख को उन्होंने लड्डू खाने के लिए भी आमंत्रित कर दिया है। तो इस तरीके से मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, शाम 4 बजे तक चलेगी और इस बीच जो है पुलिस का जो भारी सुरक्षा बल भी मुस्तैद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं सुरक्षा में। मतदान केंद्र का हम नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। ये ज़िला पंचायत का मतदान केंद्र है जहां पर मत डाल करके वापस हो रहे हैं कुछ लोग और पुलिस जो है वहां पर मुस्तैद है, आप देख सकते हैं। और सीतापुर में सब कुछ अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आई इंडिया लगातार प्रत्येक मतदान केंद्रों का आज आपको घर बैठे आंखों देखा हाल पहुंचाएगा। सीतापुर के जो 20 मतदान केंद्र हैं जिनमें सभी 1900 विकास खंड और एक जिला पंचायत अध्यक्ष का जो कार्यालय है उसको भी मतदान केंद्र बनाया गया है। 20 संवाददाता हमारे लगातार आज दिन भर हर एक गतिविधि को आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। तो आप सभी से यह अपील है कि देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभु शुक्ला के साथ पंकज सिंगौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।